हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दशहरा मेला के इस नए वीडियो में। तो आज है विजयदशमी और आज जलने वाला है रावण। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बनाए गए रावण को दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मेले में आए हुए सभी दुकानों को दिखाता हूं, उसके बाद फिर शाम हो जाएगी तो फिर रावण जलाया जाएगा, फिर उसका रावण का जलते हुए मैं दिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, जिस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि रावण का पुतला यहां पर खड़ा कर दिया गया है। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को रावण का पुतला बनाते हुए नहीं दिखा पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जलाया नहीं गया है, शाम को जलाया जाएगा। तो जिस प्रकार से यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, दो पुतला बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और बगल में भी यहाँ पर छोटा छोटा पुतला बना करके रखा गया है, ये छोटा छोटा पुतला है। और सब में पटाखा सेट किया गया है गाइस, जब जलेगा ना तो एक ही बार में फड़ 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 खत्म। यहाँ पर दो पुतला बनाया गया है राजेंद्र स्टेडियम में, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में ये वाला। शाम को ये जलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरी बाबा, जिस प्रकार से मैंने गाइस आप लोगों को बताया था कि यहीं पर पटाखा भी बनाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा पटाखा बना के रख दिया है कारीगर सब ने। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा अच्छा पटाखा बनाया गया अलग अलग तरीके से। देखिए, ये घूमने वाला पटाखा है, जब गाइस ये चलेगा ना, ये बहुत ही तेज घूमता है ये वाला पटाखा, और इससे रंग बिरंग चिंगारी निकलती है। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा बना के रख दिया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जितना भी पटाखा है सब यहीं पर बनाया गया है, एक से एक पटाखा यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जितना भी ये खंभा दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इधर स्टेडियम में यहाँ पर इसको खड़ा किया जाएगा गाड़ करके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण तो बना दिया गया है, लेकिन इसे हाथ से थोड़ी ना जलाया जाएगा वहाँ जा करके। इसके लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म उपयोग किया गया है, आप लोग दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर आग लगाया जाएगा तो सीधा यहाँ से तार खींचा गया डायरेक्ट वहाँ तक, रावण के वहाँ नीचे पेंदी तक, और जैसे इसको जलाया जाएगा ये जाएगा सट से बिल्कुल वहाँ, और वहाँ पे जाके पूरा आग लगा देगा। तो बहुत ही मजा आएगा देखने में आप लोगों को, शाम को ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जब रावण जलाया जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा शाम होने वाली है। तो चलिए गाइस, चलते अब मेला के तरफ। तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दुर्गा पूजा के मेले में बहुत ज़्यादा दुकान का सामान आता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस मेले में आए हुए सभी दुकानों को एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लोहे की दुकान, यहाँ पर लोहे से बने सभी प्रकार के सामान मिल रहे हैं। उसके बाद इस दुकान पर फाइबर और चीनी मिट्टी से बने हुए सामान बिक रहे हैं। ये है घरों में टांगने वाले झूमर, बहुत ही प्यारे प्यारे झूमर है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने की दुकान है। इस मेले में यहाँ पर बच्चों को उछलने के लिए मिकी माउस का झूला लगा हुआ है। यहाँ पर लेडीज सब के लिए मनिहारे की दुकान है। और ये आ गया बंदूक से गुब्बारा फोड़ने वाला दुकान, आप देख सकते हैं कैसे फोड़ रहा है यहाँ पर गुब्बारा। इस दुकान पर लकड़ी से बने हुए सभी प्रकार के सामान मिल रहे हैं। ये गाड़ी में रखने वाला डॉग है, बहुत ही क्यूट लग रहा है देखने में। उसके बाद ये आ गए रौली आइसक्रीम की दुकान, ये भाई साहब बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आइसक्रीम बना रहे हैं। उसके बाद ये आ गए अचार की दुकान, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से बनाए गए सभी प्रकार के अचार मिल रहे हैं। इसके बाद अब मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है चूड़ी कंगन की दुकान, यहाँ पर रंग बिरंग प्रकार के चूड़ी कंगन मिल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्टेडियम की तरफ, क्योंकि अब रावण जलने का समय हो गया है। Oh!
फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि रावण जल करके भस्म हो चुका है। आप लोगों को यहां से दिखा रहा हूं मैं, देखिए रावण जल चुका है और आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आप लोगों ने आनंद लिया होगा इस जलते हुए रावण का। और यहां पर पटाखे भी रंग बिरंग जलाए गए थे, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा देखने में, बहुत ही अच्छा लगा है हम लोगों को। थोड़ा रुक जाएंगे भाई, बड़ा नोट देंगे तो चेंज करेंगे हम काउंटर वाले को। अरे उलट रहा है, टिकट दिया जा रहा है।